हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन वीडियो नंबर 8। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है ये पूर्व में हुई सभी नर्सिंग एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं, तो फ्यूचर के सभी नर्सिंग एग्जाम्स जैसे UP NHM, ESIC, दिल्ली एम्स, एम्स भोपाल, जोधपुर, रायपुर, पटना और अदर DSSSB जैसे नर्सिंग एग्जाम्स में बहुत ही काम आने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन? एस्प्रिन का केमिकल नेम क्या है? तो फ्रेंड्स, एसेटिक सेलेसाइक्लिक एसिड, एसेटाइल सेलेसाइक्लिक एसिड या एसीटोन सेलेसाइक्लिक एसिड या ऑप्शन डी है एमिनो सेलेसाइक्लिक एसिड। के एस्प्रिन का केमिकल जो नेम होता है फ्रेंड्स वो होता है ऑप्शन बी एसेटाइल सेलेसाइक्लिक एसिड। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसकी स्पेलिंग ढंग से देख लें, क्योंकि ऑप्शन जो इस क्वेश्चंस के लिए पूछे गए हैं वो हमेशा मिलते जुलते नाम से पूछे गए हैं, तो स्पेलिंग का स्पेशली ध्यान रखें, कहीं जल्दीबाजी में आप इस क्वेश्चंस को गलत नहीं कर दे। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। और एस्प्रिन जो है वो एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। कभी कभी ये हार्ट अटैक में भी दी जाती है एंटी प्लेटलेट्स के रूप में भी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गाउट? गाउट क्या है, यानी किस प्रकार की डिजीज है? डीजनरेटिव डिसऑर्डर, वेस्कुलर डिसऑर्डर, रिनल डिसऑर्डर या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? तो फ्रेंड्स, गाउट इज ए ऑप्शन डी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से गाउट में जो जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जॉइंट्स में यूरिक एसिड का कलेक्शन हो जाता है। तो ये हो गया गाउट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टोमक विच कनेक्ट विद इसोफेगस। ह्यूमन स्टोमक से कनेक्ट होने वाला जो पार्ट है इसोफेगस का, उसको आइडेंटिफाई करना है। फ्रेंड्स, तो सीधा सा क्वेश्चन यही है कि इसोफेगस में से कौन सा स्टोमक का पार्ट है वो कनेक्ट होता है। तो फंडस, बॉडी, पाइलोरा, कार्डिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब अपने स्टोमक की बात करते हैं तो सबसे ऊपरी पार्ट होता है वो कार्डिया होता है, उसके बाद में फंडस होता है, उसके बाद में बॉडी होती है और नीचे नीचे पाइलोरस होता है। तो इसोफेगस ऊपर से आती है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कार्डिया। स्टोमक का जो पार्ट है वो इसोफेगस से कनेक्ट होता है वो होता है ऑप्शन डी कार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज नेसेसरी फॉर प्रेग्नेंट लेडी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन सा वैक्सीनेशन नेसेसरी है, आवश्यक है? BCG, टिटनेस, रूबेला, DPT। तो फ्रेंड्स, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें अपने टिटनेस लगाते हैं, टिटनेस की 2 डोज दी जाती है, जो कि पहले डोज है वो प्रेगनेंसी का पता लगने के तुरंत बाद दी जाती है और दूसरी डोज है वो पहली डोज लगने के 1 महीने बाद में दी जाती है। तो प्रेग्नेंट लेडी के वैक्सीनेशंस में टिटनेस है वो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बच्चे और माता को टिटनेस से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट ऑफ विच कलर इज यूज टू ट्रीट नियोनेटल जॉइंडिस। नियोनेटल जॉइंडिस को ठीक करने के लिए किस कलर की लाइट है वो यूज की जाती है? तो फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है फोटोथेरेपी में किस टाइप की लाइट है वो यूज की जाती है। फोटोथेरेपी से फ्रेंड्स अपने जो न्यूनेटल जॉइंडिस होता है उसको कम किया जाता है। तो फोटोथेरेपी में जो फ्रेंड्स लाइट है वो यूज की जाती है ब्लू कलर की। ऑप्शन बी इज राइट, ब्लू कलर की लाइट है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस कौन सा है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो फ्रेंड्स, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए है, बाकी जो होते हैं वो हेपेटाइटिस पोस्ट एक्सपोजर के होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और नीडल प्रिक से होने वाली हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस ए है वो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है और ये जल्द ही क्योर भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व एड्स दिवस कब होता है? तो 12 मई, 14 नवंबर, अक्टूबर 20 या दिसंबर 1। तो फ्रेंड्स, अभी दिसंबर चल रहा है, आपको याद भी रखना है वर्ल्ड एड्स डे है वो हर साल दिसंबर 1 यानी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूनेटल इज कॉल्ड, बच्चे के जन्म पे बच्चे को न्यूनेट कहेंगे, तो उस बच्चे का सबसे पहले जो स्टूल होता है उसको क्या कहते हैं, सिब्बम, लुंगो, मिकोनियम, वर्निक्स, केशियोसा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूनेटल न्यूनेट कॉल्ड म्यूकोनियम, म्यूकोनियम ऑप्शन सी इज राइट। सिब्बम फ्रेंड्स सिबेसियस ग्लैंड से होता है, सिब्बम निकलता है। ल्यूंगो होता है बच्चे के जन्म पे जो फाइन हेयर्स होते हैं, जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको ल्यूंगो कहते हैं। और वर्नियक्स केक्सोला जो एक चीज लाइक वैक्सी वाइट लेयर होती है बच्चे पे जन्म पे, उसको वर्निक्स केशुला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पुअर मेन्स मीट, इनमें से कौन सा गरीब आदमी की मीट के नाम से जाना जाता है, मांस के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, गरीब आदमी के मीट के नाम से मिल्क, फिश, पल्सेज, चिकन, तो इसका सही आंसर होता है पल्सेज यानी दालें। दालें हैं वो सर्वसुलभ होती है, सस्ती होती है और इनमें प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए इनको पुअर मैन का, गरीब आदमियों का मीट भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट टाइफॉइड बेसिलस। तो फ्रेंड्स, टाइफॉइड बेसिलस यानी टाइफॉइड को अपने एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, तो टाइफॉइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, टाइफॉइड का पता लगाने के लिए ऑप्शन बी विडाल टेस्ट है वो किया जाता है। टाइफॉइड को फ्रेंड्स एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाती है, साल्मोना टाइफाई की वजह से ये है वो डिजीज है वो होती है। तो ये आज के क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी का निशान आ रहा है उसको भी दबा लें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर बेहिचक क्वेश्चन पूछिए, मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।